जी प्यार से कहना धन अलंकार जी। यहाँ गढ़ी नेगी में इस तरह आप सब जो आके कुछ घंटों से पिछले ये सत्संग का आनंद भी ले रहे हैं और पता नहीं कितने बजे अपने घरों से चले होंगे, आसपास के इलाकों क्षेत्रों से अभी आते वक्त भी देखा बहुत ही बसेस भी आई थी, तो सब कैसे यहाँ इस उत्साह से कि सत्संग का जो प्रोग्राम है, चाहे पहले वो मौसम की वजह से अब ये सत्संग हॉल के अंदर ही करना पड़ रहा है और सब संगत को इतनी सहूलत भी नहीं हो पा रही, फिर भी ये जो एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए ये एडजस्टमेंट करते हुए जिस तरह सब इतने प्यार से इतने आराम से बैठ गए हैं, तो वो बात ही आती है कि ये सारी शिक्षा ही हमें सत्संग से ही मिली है। ये जब ब्रह्म ज्ञान ले लिया उसके बाद ये प्रभु परमात्मा निरंकार को दिल में बसाने के लिए ये सेवा सुमिरन सत्संग, ये जब हम अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो फिर वो जायज़ बात है कि निरंकार के साथ ये रिश्ता भी और गहरा जहाँ बनेगा वहाँ पल पल में हम एक रस होके सहज जीवन को जीने की तरफ अपने ये यात्रा तय कर चुके हैं। तो दातार कृपा करे कि जिस तरह ये सब संगत ने इकट्ठे एक दूसरे का साथ देके अभी भी ये जो भवन का उद्घाटन रूप हुआ, तो कैसे सत्संग भवन का भी हमेशा सदुपयोग ही करना है, जब भी सत्संग करनी है उसको सत्संग की तरह ही करनी है, और कैसे मनों में मनमुटाव एक दूसरे के प्रति ये मिटाकर सिर्फ और सिर्फ प्यार, जब भी किसी संत को देखना तो उसको जज नहीं करना, उसके बारे में कुछ खराब नहीं सोचना, हर एक की चरण रज हैं हम, ये बात हमें अपने दिल में बिठानी है, हर एक का सत्कार हर एक से प्यार। तो दातार कृपा करे कि जैसे ये जगह का भी नाम गढ़ी नेगी है तो वो सुनने में ऐसा लगता है कि ये गढ़ी नेकी के कैसे हमने ये नेकी का रास्ता लेना है, इसको अपने मन में गढ़ की तरह एक बसा लेना है और सिर्फ इस नेकी की तरफ ही रहें। ये प्रभु परमात्मा निरंकार के आश्रय समर्पित भाव से जब हम अपने जीवन को चलाएंगे तो ये सारे मानवीय गुण हमारे अंदर आते जाएंगे, चाहे फिर वो मिलवर्तन प्रेम अमन एकता समदृष्टि वाले भाव हों या फिर मन से नफरत हटाना, मन में सिर्फ प्यार ही प्यार बसाना, या ये दिल को विशाल करके करुणा निम्रता ऐसे अनेक गुण जो भी हमारे जीवन में जितने भी आ सके उसको कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें और इस प्रभु परमात्मा निरंकार को हमेशा याद रखें। तो ये सत्संग के लिए जैसे ये समा भी अब 5 बजे तक निर्धारित है, पर इतना संगत समूह देखा है तो यही ध्यान था कि जो दूर से आए हैं वो फिर जल्दी से अपने घरों को आराम से रवाना भी हो सके, मौसम भी बारिश का बना हुआ है तो किसी को और इनकन्वीनियंस ना हो। तो दातार कृपा करें सभी पे कि ये तन मन धन के सुख सभी को जहाँ प्राप्त हो वहाँ ये सब चीज़ों का भी ये सदुपयोग ही होता जाए और जीवन एक अच्छे मार्ग पे, एक सच्चाई के मार्ग पे, ये सत्य से जुड़कर इस ब्रह्म ज्ञान से जुड़कर आगे से आगे बढ़ता रहे। सत्संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी।